संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के महलों किलों में मुख्य तौर पर फ्रेस्को पेंटिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ वक्त बदला और अब ये कला डाइंग आर्ट में शामिल हो गई। लेकिन गुलाबी नगरी के सिटी पैलेस में ये कला आज भी देखने को मिलती है और खास रिपोर्ट में देखिए कि आखिरकार क्या है फ्रेस्को कला। जयपुर की सिटी पैलेस में फ्रेस्को कला पर आधारित बने हुए चार दरवाजे हैं। हर दरवाजा एक ऋतु को दर्शाता है और इस कला को देखकर अक्सर पर्यटक अचंभित रह जाते हैं, लेकिन ये कला अब विलुप्त होने की कगार में है। ऐसे में इसे संरक्षित करने के प्रयास जयपुर में किए जा रहे हैं। इसके लिए सिटी पैलेस में विशेषज्ञों द्वारा कलाकारों को फ्रेस्को पेंटिंग सिखाई जा रही है, जिसे सीखने के लिए कलाकार काफी रुचि भी दिखा रहे हैं। और ये जो पेंटिंग है फ्रेस्को की जो टेक्निक है वो आजकल खत्म होती जा रही है, इसकी वजह से हम इसको सीखकर आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी समय से मैं इसको सीख रही हूँ। जैसे फ्रेस्को जो है वो एलोरा, अजंता इनमें और जो पुराने महल है उनमें पाई जाती है, और इसको गीले प्लास्टर पर ही किया जाता है, और इसको सीखकर हम जो राजस्थान की ब्यूटी है, कल्चर है, उसको हम बचाएंगे और इसीलिए हम इसको सीख रहे हैं। फ्रेस्को पेंटिंग को आला गीला पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेस्को पेंटिंग की दो तकनीकें हैं, बूनो फ्रेस्को और सेको फ्रेस्को। बूनो फ्रेस्को जिसमें गीले धरातल पर ही चित्रण और रंग किया जाता है, फिर विशेष टूल्स के माध्यम से इसे पीटा जाता है जिससे रंग प्लास्टर में ही समाहित हो जाता है। ये पद्धति सबसे स्थायी और टिकाऊ मानी जाती है। वहीं सेको फ्रेस्को को भी बूनो फ्रेस्को की तरह भित्ति को भी तैयार कर उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर चित्रकार उसमें कभी भी रंग भर सकता है। इसमें खनिज के साथ ही रासायनिक वनस्पति रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन रंगों को पक्का करने के लिए इसमें गोंद भी मिलाया जाता है। ये तकनीक बूनो फ्रेस्को से कम स्थायी मानी जाती है। ये सिटी पैलेस में जो फ्रेस्को की क्लासेस चल रही है उसका मेन वजह यह है कि ये डाइंग आर्ट हो चुकी है, और महाराजा सवाई पद्मनाभ सिंह जी चाहते हैं कि न्यू जनरेशन को फ्रेस्को की आर्ट से अवगत कराया जाए। उसी सिलसिले के अंदर यहाँ पर जो आप ये मोटिव देख रहे हैं ये फ्रेस्को के हैं। यहाँ इन मोटिव का डिजाइन बना करके बच्चे नए स्टाइल से फ्रेस्को वहाँ बना रहे हैं। विधि वही है, नए सब्जेक्ट बना रहे हैं। विशेषज्ञों द्वारा कलाकारों को फ्रेस्को पेंटिंग सिखाने से जहाँ इस कला को बचाने में सहयोग मिलेगा, वहीं आने वाली पीढ़ी भी इससे रूबरू हो सकेगी। न्यूज 18 के लिए जयपुर से महिमा जैन। तो चलिए खबरों